गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी तत्व के परमाणु में जो आवेश का निर्धारण करता है कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। यानी कि हमने यह पढ़ा था कि यदि ये कोई Na या Cl नामक कोई भी तत्व है, ठीक ना, एक्स वाई जेड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक ना। तो हमने यह पढ़ा था कि किसी भी तत्व के परमाणु का जो आवेश होगा इसका निर्धारण कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव करके किधर जा रहा था? क्लोरीन की तरफ जा रहा था। यह कि मूवेबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने यह सीखा कि किसी भी तत्व के परमाणु का जो आवेश का निर्धारण करता है वह ऋण आवेश होगा या धन आवेश होगा, कौन करता है? वह इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है ना बच्चों। और हमने यह भी सीखा था कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉनों के आवेश कितना होता है? -1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है बच्चों। इतना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनों के आवेश होता है वही क्या होता है? विद्युत आवेश होता है। अब हम एक इक्वेशन से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन और आवेश के बारे में और भी समझेंगे, ठीक है बच्चों।
देखिए आपने पढ़ा होगा ESU, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। अब इसका संबंध हम कूलाम से दिखाएंगे, कूलाम से संबंध। तो बच्चों एक कूलाम में, एक कूलाम में 3 × 10^9 कितना? 9। ESU कितना होता है? 3 × 10^9 ESU होता है, ठीक है ना। ESU क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत इकाई। क्या होता है? स्थिर विद्युत इकाई, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रो से हो गया विद्युत, यानी कि स्टैटिक से स्थिर और यूनिट इकाई। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं, स्थिर विद्युत इकाई, ठीक है बच्चों। तो इसका कूलाम से हमने सबसे देखा कि ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं? 3 × 10^9 ESU होते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपके एग्जाम पे भी यह चीज आ सकती है कि एक कूलाम में ESU होते हैं 3 × 10^9 ESU होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आशा करता हूँ छोटी सी दो चीजें थी जो आपने यहाँ पर सीखी है, और ठीक है हम आपको अगले कॉन्सेप्ट में, अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।